है फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल गेट सेट गो एक्सप्लोर न्यू थिंग्स और आज ट्रैवल फोटो स्टोरीज की सीरीज में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ नई स्टोरी स्टोरी है नंदीग्राम करके हैं जो कि गुजरात में वलसाड़ में धर्मपुर के पास जो कि हम वडोदरा से हैं तो वडोदरा से धर्मपुर लगभग दो किलोमीटर का रास्ता है बाइक रोड तो लगभग चार साढ़े चार घंटे का रास्ता है तो वहाँ पे एक नंदीग्राम ट्रस्ट है और वहाँ पे एवरी सेकंड सैटरडे और संडे सैटरडे ऐसा उसकी एक शिविर रहती है तीन दिन का वर्कशॉप रहता है फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा तो वो हमने अटेंड किया था और उसका जो एक्सपीरियंस है वो हम आज शेयर करने वाले हैं तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस था तो हमारे साथ ये स्टोरी में टिल एंड तक बने रहिए और हाँ पूरा देखिए वीडियो स्किप मत कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नंदीग्राम है क्या तो जो लोग गुजरात से बिलोंग्स करते हैं उनको तो पता ही है कि गुजराती साहित्य में एक बहुत ही जाने माने कवि हो गए श्री मकरंद भाई दवे और उनके साथ एक लेखिका भी रही के कुंदनिकाबेन कापड़िया जो उनका हाल ही में देहांत हुआ तो इन दोनों ने मिल वलसाड़ के पास धर्मपुर के बीच में एक बंजर जमीन थी उनको डेवलप करके पूरी उसकी काया पलट करके एक नेचर के साथ उन्होंने ये जगह बनाई और हम बात करते हैं हमारी शिविर की तीन दिन में जो खास बात है एक तो वो फूड है और दूसरा ये जो पूरा प्रोग्राम है वो तो उसी के बारे में बताऊंगी मैं तो हम बरोड़ा से वलसाड़ बाई ट्रेन गए और वहाँ से ऑटो करके हम ये नंदीग्राम ट्रस्ट में गए तो वहाँ पे सबको एकोमोडेशन दिया जाता है कॉटेजिस है अलग अलग पूरे कॉम्प्लेक्स में तो वो भी नेचर के साथ में है बीच में आसपास और मोर की आवाज़ मोर अपने आंगन में भी आते हैं तो काफ़ी अच्छी जगह है वो तो हमको कॉटेजिस दिया गया और बेसिकली ये जो तीन दिन का शिविर है उसका जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से डिज़ाइन होता है तीन दिन का प्रोग्राम रहता है हमारी सुबह की शुरुआत रहती है हमको साढ़े तीन बजे उठना रहता है फिर हमारा योगा सेशन शुरू होता है योगा सेशन शुरू होता है एक घंटे का तीन दिन के दौरान योगा सेशन में प्राणायाम से शुरू करके फिर धीरे धीरे आपको बेसिक आसन सिखाया जाता है जो कि आपकी रूटीन लाइफ में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ये एक घंटे के प्रोग्राम के बाद आपका फिर प्रोग्राम आता है मालिश का तो मालिश का प्रोग्राम भी लगभग एक घंटे का रहता है लेडीज़ और जेंट्स का अलग रहता है और उसमें भी जो मालिश करने वाले होते वो काफ़ी ट्रेन होते हैं ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से साइंटिफिकली किस तरह से मालिश करते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से वो लोग अप्लाई करते हैं मालिश के बाद रहता है ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के बाद रहता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन रहता है जो दो ढाई घंटे का रहता है उसमें बेसिकली क्या होता है तीनों दिन रहता है उसमें बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो या अपनी लाइफ में ऐसे कुछ आ, टेंशन हो या स्ट्रेस हो या तो फिर आप वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो जो भी हो आपके कलीग के बिहेवियर से भी आप परेशान हो तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होते हैं हमारे वो सारे डिस्कस करते हैं वहाँ पे उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं कितना कितना ऑप्शंस रहते हैं वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं तो काफ़ी वो भी इंटरेस्टिंग सेशन रहता है उसके बाद रहता है रेस्ट सॉरी लंच रहता है लंच के बाद रेस्ट रेस्ट करने के बाद आप रेस्ट भी कर सकते हो कोटेजे कोटेज में या तो फिर आसपास कहीं घूमने जाना हो तो वो भी जा सकते हो आ, गौशाला है वहाँ पे वहाँ पे ईसामा का रेसिडेंट है तो ईसामा के रेसिडेंट में अच्छा मैं आपको बताना भूल गई का बेन कापड़िया को लोग प्यार से ईसामा करके बुलाते हैं तो मैं भी वही नाम से बुलाऊँगी तो वहाँ पर उनका रेसिडेंट भी है रेसिडेंट के पीछे का जो कोटेज है उसमें इन लोगों के जो साहित्य है इनका कलेक्शंस है वो सारा कुछ पिक्चर्स है अवार्ड है जो भी उनको दिया गया है वो सारा इकट्ठा करके वहाँ पे रखा गया है तो वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं छोटी सी लाइब्रेरी भी है तो वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं फिर आ, उसी कॉम्प्लेक्स में आपको दोपहर के बाद छोटी सी टूर जैसा करवाया जाता है पूरा कॉम्प्लेक्स आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या उगाते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे रहते हैं फिर गौशाला गौशाला के जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उसका जो क्या क्या रहता है आ, उसी के बारे में भी नॉलेज देते हैं फिर वहाँ एक हनुमान जी का अंदर कॉम्प्लेक्स में ही हनुमान जी का टेम्पल भी है तो वो भी काफ़ी अच्छा है मकरंद भाई दवे की समाधि भी है वहाँ पे, तो वो भी एक जैसे आप बोल सकते हो कि मेडिटेशन जैसा है वहाँ पे तो एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है कोई भी आवाज़ सिर्फ आप और नेचर दोनों आमने सामने और साथ में बैठ के आप टाइम स्पेंड करो तो फिर शाम को ये सब कुछ ख़त्म करके फिर डिनर डिनर के बाद ईसा माँ के रेसिडेंट में सब लोग इकट्ठे रहते हैं ये जो बैच है अच्छा ये जो बैच है वो ज़्यादा लोग की नहीं रहती है दस पंद्रह की रहती है तो ये बस कॉम्पैक्ट रहता है और जैसे हम अपने घर में अपने बुज़ुर्गों के साथ में बैठ के जैसे हम बातें करते हैं उसी तरह से शाम को ईसामा के रेसिडेंट में सब इकट्ठे होते हैं और ईशामा उस टाइम पे ऐसा था कि अब तो पता नहीं कैसा होगा लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा था कि ईसामा हमें वो लाभ मिला है श्री मकरंद भाई दवे की कोई बुक में से कोई पोएम या तो फिर कुछ लाइंस सुनाते थे फिर उस पर इंटरेक्शन्स होता था डिस्कशन होती थी आप भी अपनी और से कुछ जानते हो तो बता सकते हो तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन और वो जो सेशन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मीटिंग जो थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती थी अच्छा तो दूसरी जो ख़ास बात है इनका फूड है तो तीन दिन के दौरान जो फ़ूड डिज़ाइन किया गया था उसके बारे में मैं ज़रूर 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 आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ये तीन दिन में हमारे साथ एक लेडी डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर थी जो कि हमारे साथ थी और ये जो जो फ़ूड हमें दिया जाता था जो जो ब्रेक में उसको उसके क्या फ़ायदे रहते हैं न्यूट्रिशस वैल्यू है क्या आ, हेल्दी कैसे है उसको कैसे खाने में ऐड करना चाहिए वो सारी डिटेल्स हमको देते रहते थे जब जब वो उसका आता था तब तब तो जब सुबह में हमने अच्छा दूसरी एक बात यहाँ पे चाय या कॉफ़ी अलाउड नहीं है अगर अलग बात है अगर आपको इतनी ज़्यादा बुरी तरह से आदत है कि सर दुखने लगता है फटने लगता है चाय तो चाहिए ही चाहिए अगर ऐसा है तो कुछ एडजस्टमेंट करते हैं वहाँ पे अदरवाइज़ नहीं होता है उसी के जो प्रोग्राम होते हैं उसी को हमको फॉलो करना है और कोर्स मैं तो यही कहूँगी कि हमें वो फॉलो करना ही चाहिए क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आ आते हैं किस लिए ये शिविर या तो फिर ऐसा प्रोग्राम लेते किस लिए कि हम कुछ अलग सीख सके अलग जान सके हमारी रूटीन लाइफ लाइफ से अलग तो ये फॉलो करना ही चाहिए तो आ, फूड का जो पूरा था डिज़ाइन वो मैं आपको बता दी हूँ तीन दिन का कि योगासन और मालिश के बीच में हमको दूध दिया जाता था तीनों दिन दूध अलग अलग दिया गया एक बार दूध बादाम पाउडर और सूट पाउडर के साथ दिया गया दूसरे दिन दूध और खजूर को कंबाइन करके फिर तीसरे दिन दूध और कोपरा पाउडर मिला के तो ये तीनों आप जानते हो उसकी न्यूट्रिशस वैल्यू मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इस तरह से आ, सुबह का हमारी शुरुआत होती है उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में वहीं पे सब जो उगाते हैं आ, जैसे कड़ी पत्ता हो गया तो उसमें से भी कुछ रेसिपीज़ बनती है चटनी वग़ैरह ज्वार के रोटले बाजरे के रोटले तो मक्खन ताज़ा वहीं से निकाला गया तो ये सारा जो है नो जंक फ़ूड फास्ट फूड कोर्स मैदा भी वहाँ पे फूड में अलाउड नहीं है तो ये जो है वो पूरा वहाँ पे ब्रेकफास्ट रहता है फिर लंच में लंच में भी आ, मैंने बताया वैसे कर्ड में कुछ फ्रूट्स मिलाते हैं और वो भी काफ़ी पूरी डिश सात्विक रहती है लेकिन बहुत ही टेस्टी रहती है आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी आश्रम में आ गए हो और खाना बिल्कुल बेस्वाद है ऐसा नहीं होता है बहुत ही अच्छा रहता है दूसरा आता है टी टाइम हम जिसे बोलते हैं लेकिन टी टाइम नहीं रहता है दोपहर का टाइम रहता है और हम गए थे अगस्त के सीज़न में मतलब बारिश की सीजन थी तो तीनों दिन बहुत ही अच्छा दोपहर का रहा और वो भी काफ़ी नॉवल है एक बार हमको दिया गया गेहूं की राब जिसे बोलते हैं गुड़ डाल के बनाते हैं गरम गरम बारिश में बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसकी और वो दिया गया दूसरे दिन दिया गया हमको जो लाल जासूद के फूल आते हैं उसका शरबत था रेड कलर का शरबत था लेकिन वो आ, उसका टेस्ट था जैसे रिमझिम आता है चटपटा उसी तरह का उसका टेस्ट था और आ, आपको बता दूँ कि हमें बताया गया वहाँ पे कि जासूद के फूल में कैल्शियम भर भर के होता है तो उसी से बनाया गया था वहाँ पे, तो उसकी ऑफकोर्स वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी और आ, तीसरे दिन हमको दिया गया जामुन जामुन जो आते हैं जामुन का जूस निकाल के दिया गया वहीं पे पेड़ थे तो वहीं पे हमारे सामने ही जामुन गिरा के इकट्ठे किए और फिर वहाँ हमारे सामने ही उसका जूस निकाला तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था और शाम को भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें रहती थी आ, एक और बात भी है सोडा बाई कार्ब रहता है रेसिपी में किचन में वो भी वहाँ पे बिल्कुल उसका यूज़ नहीं होता है उसके बिना भी किस तरह से अलग अलग वो लोग आ, हांडवा मुठिया वो जो सरगवा के सींग रहती है उसके जो पत्ते रहते हैं उसमें से भी वो लोग आ, बनाते हैं काफ़ी कुछ तो इस तरह से हमें ये आ, हमारे फूड में हमको क्या चेंजेस करना चाहिए विथ टेस्ट तो आ, ये भी सीखने को मिलता है दूसरा हमको शाम को एक और भी जगह लेके गए थे ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर एक औषधियों का गार्डन है वो गार्डन भी दिखाने लेके गए थे तो उसमें भी वहाँ के लोकल आदिवासी इन लोग इसका कैसे यूज़ करके खुद को सस्टेन करते हैं या तो फिर कुछ रेमेडीज़ करते हैं वो भी काफ़ी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया तो ओवरऑल कुछ मिला के हम ऐसा ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर हमें चांस मिला तो दोबारा ज़रूर से ये हम रिपीट करना चाहेंगे और मैं तो कहूँगी कि आपके आसपास भी अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर हमारी रूटीन लाइफ से हट के तीन दिन तो तीन दिन लेकिन हम कुछ काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कुछ अप्लाई कर सकते हैं और कुछ चेंजेस ला सकते हैं और कोर्स पॉजिटिव ही पॉजिटिव लेके ही आते हैं तो बस यही था हमारा एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगा है ये ट्रैवल फोटो स्टोरीज तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कीजिए और इसी शिविर की अगर जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी जो लिंक रहती है वो मैं आपको डाल दूँगी तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो और बस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नई ट्रैवल स्टोरी के साथ गुड बाय एंड स्टे सेफ